करनाल के इंदिरी में मंगलवार को दुर्गा अष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इंदिरी के देवी मंदिर में सुबह से मां भगवती की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर देवी स्वरूप नौ कंचकों का पूजन भी किया गया और मंदिर में आरती करने के बाद माता के दर्शनों के लिए मंदिर को खोल दिया गया। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के मंदिर में शीश नवाकर मन्नतें मांगी। मंदिर के पुजारी मोहित शर्मा ने बताया कि चैत्र नवरात्रों का विशेष ही महत्व है। इस दुर्गा अष्टमी के पर्व पर जहां पर भी माता भगवती के मंदिर है वहां पर श्रद्धालुगण जाकर कन्याओं का पूजन करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने की दुआ मांगते हैं। उन्होंने कहा कि आज समाज में कन्या भ्रूण हत्या की जा रही है जो एक महापाप है, क्योंकि एक तरफ तो हम कंचकों का पूजन करते हैं और दूसरी तरफ कन्या भ्रूण हत्या की जाती है। हमें इस तरह के पाप नहीं करने चाहिए क्योंकि कन्या एक देवी का रूप है जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए। इसीलिए दुर्गा अष्टमी के दिन सभी श्रद्धालुओं को कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का संकल्प लेना चाहिए। पुजारी ने बताया कि मंदिर सुधार सभा की ओर से दोपहर बाद माता के भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। जय माता की। माता मनसा देवी सभी का कल्याण करे। चैत्र शुक्ला अष्टमी दिन मंगलवार आज है। मंदिर सुधार सभा जो हमारी संस्था है उसके द्वारा ठीक सुबह 4 बजे भगवती माता जी के वस्त्र का श्रृंगार किया गया। वस्त्र श्रृंगार करके भगवती माता का पूजन किया गया। मंदिर में स्थित सभी नवदुर्गा का, भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती जी का, संतोषी माता जी का पूजन किया गया। भगवान शंकर जी के साथ श्री हनुमान जी का, सभी देवताओं का विधिवत पूजन करने के बाद बड़े विधि विधान के साथ हमारे जो संस्था के प्रधान जी हैं जिन्होंने आज का प्रसाद किया उनकी तरफ से विधिवत कन्या पूजन किया गया। और कन्या पूजन करने के बाद सभी लोगों के लिए प्रसाद कढ़ाई जो अपने घर से लोग लेकर आए थे सभी लोगों के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से माँ भगवती के चरणों में आकर के अपने मन्नतें पूरी करने के लिए माँ भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं और अपने घर में बनाए गए प्रसाद का भगवती को भोग लगा रहे हैं। महत्व नया संवत हमारा चैत्र से ही शुरू होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो पिछले मंगलवार को थी हमारा संवत बदलता है और वार्षिक 4 बार संवत्सर 4 बार एक वर्ष में हमारे नवरात्र आते हैं। प्रथम नवरात्र हमारे ही चैत्र से शुरू होता है। इन्हीं 8 दिन में खूब भगत जन भगवती का अर्चन पूजन करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवती से प्रार्थना करते हैं। उपवास संवत्सर के शुरू होने पर मौसम के अनुसार ही जो ऋषियों ने पुरातन परंपराएं जो हम लोगों को दे रखी हैं उन्हीं रीति के अनुसार अपने शरीर की शुद्धि के लिए और माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए निराहार रह करके लोग भगवती की उपासना करते हैं, जिससे उनके शरीर की आरोग्यता भी बढ़ती है और भगवती माता भी उनको जो पूजा करने के लिए जो शरीर का साथ चाहिए होता है वो व्रत रखने से, उपवास रखने से वो शरीर इस योग्य बन जाता है कि भगवती की उपासना वो व्यक्ति कर सके। जिस समय, जैसे आप सभी को विदित है, जो कोरोना महामारी ये चली हुई है इसकी शांति के लिए भी हमने मंदिर में माँ भगवती से विशेष प्रार्थना की। कल रात को यज्ञ भी किया गया और हम सभी श्रद्धालुगण, हम सभी भी मंदिर सुधार सभा के जितने हमारे पदाधिकारी हैं, हम सब ने मिलकर माँ भगवती से प्रार्थना की कि भगवती जो ये महामारी दोबारा क्रूर रूप ले रही है इसको माँ भगवती शीघ्र अतिशीघ्र शांति करे, सभी के घरों में सुख समृद्धि हो और ये जो महामारी है शीघ्र अतिशीघ्र भगवती माता हम प्रार्थना करते हैं कि समाप्त हो। मंदिर सुधार सभा इंद्री द्वारा माँ भगवती के नवरात्रे, चैत्र शुक्ल पक्ष के नवरात्रे बड़ी धूमधाम से 13 अप्रैल 2021 मंगलवार से लेकर आज तक बड़ी धूमधाम से मनाए गए। यहाँ पर हर रोज़ तरह तरह की झांकियाँ और कलाकारों द्वारा प्रोग्राम किया गया। लोगों ने काफ़ी उत्साह दिखाया जिसमें यहाँ पर मंदिर में आकर लोगों ने पूजा अर्चना की। आज अष्टमी पर लोग बाग आए हुए हैं जो कि देवी माता के भगवती के को माथा टेकने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। और आज दोपहर को यहाँ पर एक भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा जो कि माँ भगवती की कृपा से संपूर्ण होगा। क्या क्या व्यवस्था की गई भंडारे में, जैसे करना? भंडारा अब की बार हमने भंडारे का कुछ रूप बदला है, जैसे कि भंडारा बिठाकर हम भंडारा नहीं देंगे, अब की बार हमने डिस्पोजल में ही भंडारा किया है। जो भी लोग बाग आएंगे हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखेंगे, लोग मास्क लगा कर आएँ और यहाँ पर खड़े होकर ही अगर प्रसाद ग्रहण करें या फिर अपना घर पर ले जाएँ।
महत्व क्या है आज के दिन? माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए, माँ भगवती की पूजा करने के लिए आज का महत्व, अष्टमी का महत्व बहुत ज़्यादा है। और लोग यह भावना है कि जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से माँ भगवती की आराधना करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।